गुड इवनिंग गाइस। देखो डाउट्स के हम ये क्वेश्चंस लेते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 73। क्वेश्चन 73 देखो ध्यान से कैसे होगा। पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू मास एम एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट पी विथ स्पीड वी नॉट एट एन एंगल अल्फा एंड लीव्स द फील्ड एट क्यू विथ स्पीड वी एट एंगल बीटा एज शोन। सो देखो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो जो उसका पाथ होगा वो तो सर्कुलर ही होना है, बट वो कंप्लीट सर्कल नहीं होगा, कुछ ऐसा रहेगा जैसे कि ये सर्कल मैं अगर इसे बना दूं लाइक दिस, ये सेंटर हुआ सर्कल का, सो दिस एंगल इज अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा। अच्छा दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा, सो ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा, सो दिस इज बीटा। अब वेट, ओके फाइंड करना है अल्फा और बीटा में रिलेशन चाहिए, वी इज इक्वल टू वी नॉट, हाँ स्पीड तो सेम ही रहनी है, तो बी तो सही हुआ इसका, स्पीड सेम रहेगा तो वी इज इक्वल टू वी नॉट सही है इसका। और देख सकते हो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, सो ये दो एंगल सेम होने चाहिए, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, सो 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, सो यहाँ से देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी प्रूफ हो गया, तो ए सही है बी सही है, बी पी क्यू की वैल्यू निकालना है। तो देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से अगर मैं बनाऊँ डायग्राम, ये अल्फा हो जाएगा और ये भी अल्फा होगा, दिस इज आर रेडियस दिस इज ऑल्सो आर, सो पी क्यू की जो लेंथ है वो हो जाएगी 2r sin α, और r का वैल्यू रख दो mv/bq, 2mv/bq sin α, ठीक है, ये आ जाएगा पी क्यू। और टाइम निकालना है सो वो एंगल्स आ जाएगा, देखो टाइम कैसे आएगा, ये पूरा एंगल निकाल के देख लो, ये पूरा कंप्लीट एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना आएगा 2π-2α, सो टाइम का कंसेप्ट ये लग जाएगा कि 2π का टाइम पीरियड क्या होता है टी, है ना, पूरा एक सर्कल करने में टी टाइम लगता है, सो 2π-2α कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये यूनिटरी मेथड से निकाल लो, 2π-2α इंटू टी बाय 2π, सो दैट इज 1-α/π इंटू टी, ये हो जाएगा टाइम स्पेंट इनसाइड फील्ड, टाइम स्पेंट इनसाइड फील्ड, फाइन। चलो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन लेते हैं। डाउट्स ग्रुप में जितने क्वेश्चंस थे वो मैं देख रहा हूँ। चलो देखो ये एक क्वेश्चन है, स्टेडी करंट आई गोज थ्रू अ वायर लूप पी क्यू आर हैविंग शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ पी क्यू 3x PR 4x QR 5x, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस लूप इज, तो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो पी क्यू आर,
पी क्यू सबसे छोटी साइड है, क्यू आर बड़ी है। सो ये क्यू आर हो गया लाइक दिस। सो 3:5:4 का रेशियो आ गया। चलो ठीक है, ये एंगल 90 हो गया। हमको फाइंड करना है के की वैल्यू। पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ओके, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा आर क्यू का। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 53 डिग्री और ये 37। सो ये एक्स मान लेते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू 4 sin 37। 4 × 3/5, सो दैट इज 12/5। ये एक्स आ गया। और अल्फा बीटा चाहिए होगा। देख सकते हो ये जो अल्फा बीटा, ये जो एंगल आएंगे यहाँ से, ये दो एंगल 53 और दूसरा 37। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो बायोट सेवर्ट्स लॉ से। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 πI (sin α + sin β/x). सो दैट इज म्यू नॉट बाय 4 πI साइन 37, जो कि हो जाएगा 3/5 + 4/5 / x 12/5। सो ये 12/5 एक्स होगा एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि वो सब एक्स के टर्म्स में दिया है, 5x 4x। चलो इसको कुछ और एक्स डैश पकड़ लो। चलो एक्स डैश, सो म्यू नॉट बाय 4 πI 7/5 / 12x/5। सो म्यू नॉट अपॉन 4 πI म्यू नॉट आई अपॉन 4 πI 7/12x। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है म्यू नॉट आई अपॉन 48 πx। हाँ तो के यहाँ पे लिखा होगा, मिस प्रिंट है। सो के की वैल्यू आ गई 7 आ गई के की वैल्यू। फाइन, हाँ जी एडवांस का क्वेश्चन लग रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग स्ट्रेट वायर रेडियस ए कैरीज स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट A/2 and 2A। ठीक है, ये एम्पियर सर्किट लॉ से हो जाएगा। देखो मान लो कि ये वायर है, ये इसका एक्सिस हो गया, पूरे क्रॉस सेक्शन के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट। तो A/2 डिस्टेंस पर पहले फील्ड निकाल लेते हैं। सो B × 2π A/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करेंट एनक्लोज्ड। करेंट एनक्लोज कितना आएगा, टोटल करेंट बाय टोटल एरिया इंटू एरिया ऑफ एरिया अप टू A/2। सो जाएगा π × A/2 का होल स्क्वायर। तो ये B1 मान लो। चलो ठीक है, तो B1 × πA इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I/4। सो B1 आ गया म्यू नॉट I/4πA। और B2 तो कन्फर्म है ना, जो रेडियस की डिस्टेंस पर होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I/2πA। तो यहाँ से देख सकते हो B1/B2, एक मिनट 2A पर निकालना है। ओके वेट, 2A पर निकालना है। हाँ, B2 हो जाएगा म्यू नॉट I/2π × 2A। सो B1/B2 इज इक्वल टू 1/4 1/1 आ गया। ओके फाइन, 1:1 आ गया इसका आंसर।
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर हियर शोज थ्री केसेस, इन ऑल केसेस द सर्कुलर पाथ हैज रेडियस आर स्ट्रेट वंस आर इन्फाइनाइटली लॉन्ग फॉर सेम करेंट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पी। ठीक है, डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं वायर के, देखो देखो ध्यान से। जैसे कि पहला अगर मैं देखूँ फर्स्ट केस, उसका डायग्राम ऐसा है, सेमी सर्कल है, इस तरह से सेमी सर्कल है और फिर यहाँ से सीधा चला गया, यहाँ पर चाहिए फील्ड। ठीक है, ए बी की वजह से जो फील्ड होगा और सी डी की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी एंड सी डी विल कैंसिल आउट ईच अदर, देख सकते हो राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, सी डी का फील्ड क्या होगा, सी डी का फील्ड होगा आउटवर्ड और ए बी का फील्ड होगा इनवर्ड। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा सिमेट्री से, विल कैंसिल ईच अदर। बचा फिर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का क्या होता है, के आई थीटा बाय आर लगा दो तो बी वन आ जाएगा, के आई थीटा सेमी सर्कल का एंगल पाई बाय आर, के आई थीटा बाय आर। चलो ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, सेमी सर्कल है, सेम आ जाएगा के आई थीटा बाय आर बी टू। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड में देखो ऐसा सिचुएशन है, थ्री फोर्थ सर्कल है, यहाँ पर फील्ड चाहिए, सो ए बी सी डी ई, ए बी की वजह से कोई फील्ड नहीं आएगा, बी सी डी जो आर्क है ना थ्री फोर्थ सर्कल है उसकी वजह से फील्ड आएगा और डी ई की वजह से भी आएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर है, उसमें अल्फा जीरो ले लेना, बीटा 90 ले लेना। सो बी थ्री देखो कितना आएगा, के आई थीटा, थीटा है 3π/2 बाय आर, इनवर्ड आएगा तो माइनस साइन ले लेता हूँ, ये बी वन भी माइनस में नेगेटिव में आएगा और बी टू नेगेटिव में आएगा, इनवर्ड आएगा, इनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं। सॉरी बी वन एंटी क्लॉक वाइज है ना, पॉजिटिव आएगा बी वन, हाँ बी टू नेगेटिव आएगा क्लॉक वाइज है तो। हाँ चलो बी थ्री देखते हैं, तो ये आर क्लॉक वाइज है तो नेगेटिव में आ गया। अच्छा डी ई का फील्ड क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा तो प्लस मे नॉट बाय 4π आए, साइन अल्फा, अल्फा जीरो ले लो और बीटा 90, सो बाय आर, ऐसा लाइक दिस। सो बी वन आ रहा है कितना आ रहा है, ये देखो ये म्यू नॉट अपॉन 4π के हो गया, के आई बार, के आई बार बाय आर कॉमन ले लिया, के आई बाय आर वन माइनस 3π/2। नाउ वी हैव टू फाइंड रेशियो, सो देखो के आई बाय आर कॉमन है, ठीक है ना, तो पाई इज टू माइनस पाई इज टू वन माइनस 3π/2, ऐसा कुछ आना चाहिए आंसर। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा π/2 इज टू माइनस π/2 इज टू 1/2 माइनस 3π/4 लाइक दिस। माइनस से मल्टीप्लाई करो तो थ्रू आउट, सो माइनस π/2 इज टू π/2 इज टू 3π/4 माइनस 1/2, ठीक है ना, ए ऑप्शन आ गया यहाँ से, समझ आ रहा है। अच्छा हुआ चलो मिसप्रिंट नहीं निकला।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट का रेशियो निकालना है। ओके, पैरेलल वायर्स है आई वन आई टू विथ आई वन ग्रेटर देन आई टू, सेम डायरेक्शन में करंट है, देन द मैग्नेटिक फील्ड मिड वे, ठीक है ना। चलो ऐसे इनफाइनाइट वायर है, ऐसे मान लो पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में करंट है आई वन आई टू, आई वन बड़ा है आई टू से, मिड वे में चाहिए, तो आई वन का मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट आ जाएगा, आई टू का आउटवर्ड आएगा। ये डिस्टेंस एक्स मान लो दोनों वायर से। और सेकेंड केस कौन सा है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ आई टू इज रिवर्स्ड, आई टू को रिवर्स कर दिया लाइक दिस, ठीक है। तो आई वन का इन्वर्ट आएगा, आई टू का भी इन्वर्ट आ जाएगा, दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगे। सो देखो ध्यान से, म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई एक्स माइनस, करंट बड़ा है ना, आई वन बड़ा है तो मैं उसको पहले लिख रहा हूँ, माइनस म्यू नॉट आई टू बाई टू पाई एक्स, ये दिया हुआ है 10 माइक्रो टेस्ला, एंड म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई एक्स प्लस म्यू नॉट आई टू बाई टू पाई एक्स, ये कितना हो जाएगा, 40 माइक्रो। सो यहाँ से आई वन माइनस आई टू बाय आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू 1/4। सो 4 I1 माइनस 4 I2 इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, 3 I1 इज इक्वल टू 5 I2, सो आई वन बाय आई टू इज इक्वल टू 5/3। बी, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री लॉन्ग वायर्स कैरिंग सेम करंट प्लेस्ड एज शोन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ओके, हाँ ठीक है। देखो तीन वायर है ना, देखो ये इन्वर्ट है वायर, इन्वर्ट करंट है, यहाँ पर इन्वर्ट है, ये वाला आउटवर्ड करंट है और ये इन्वर्ट करंट है, ठीक है ना। चलो इनको नाम दे देते हैं, ठीक है ना, 1 2 3, 1 2 3। इनके अगर मैं फील्ड्स बनाऊँ, ध्यान से देखना राइट हैंड थंब रूल से, तो बी वन, बी वन की डायरेक्शन देखो ध्यान से ऐसी होगी, इस लेंथ के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बी वन। बी टू कैसा होगा, बी टू कुछ ऐसा हो जाएगा, और सॉरी बी थ्री, ये बी थ्री है, हाँ बी टू होगा, ऐसा हो जाएगा बी टू, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, एंड दिस इज 90। तो सभी का एक काम करते हैं, ये दो एंगल जो है इनको अल्फा बीटा मान लेते हैं, चलो ये दोनों ही अल्फा हैं, ये अल्फा हो जाएगा, दिस इज अल्फा। रिजल्टेंट फील्ड चाहिए तो आप रिजल्टेंट लेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में निकाल लो। चलो बी थ्री का ऊपर कंपोनेंट आ जाएगा बी थ्री कॉस अल्फा, लेफ्ट की तरफ क्या आएगा बी थ्री साइन अल्फा, बी वन का लेफ्ट में क्या आएगा बी वन कॉस अल्फा, नीचे जाएगा बी वन साइन अल्फा, ये हो जाएगा बी टू, फाइन। अभी इनके मैग्नीट्यूड्स निकालते हैं, देखो बी वन आ जाएगा
इनफाइनाइट वायर है, सो म्यू नॉट आई बाय टू पाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी रूट टू, और बी टू आएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी, बी थ्री हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी रूट टू, फाइन। अच्छा अल्फा दोनों, अल्फा जो है ना 45 डिग्री है ना, देख लो ध्यान से। अब इनको बेटर फॉर्म में लिख देते हैं, सो नेट फील्ड आ जाएगा, एक काम करते हैं बी वन को बी टू को बी मान लो, तो बी वन कितना आ जाएगा बी बाय रूट टू, बी थ्री आ जाएगा बी बाय रूट टू, ठीक है। सो आसान थोड़ा बना लेते हैं डायग्राम, बी टू को मैं लिख देता हूँ बी और बी वन बी बाय रूट टू, कॉस अल्फा वन बाय रूट टू, ठीक है। अच्छा लेफ्ट की तरफ क्या आ जाएगा बी वन प्लस बी थ्री साइन अल्फा, हाँ साइन अल्फा कॉमन ले सकते हैं, साइन 45 वन बाय रूट टू बाहर आ जाएगा, चलो ठीक है ऐसा। और बी वन और बी थ्री दोनों ही बी बाय रूट टू है, सो बी बाय रूट टू बी बाय रूट टू, ये हो जाएगा टू बी बाय रूट टू, तो बी बचेगा लास्ट में, ये कैंसिल हो गया और ऊपर आ रहा है बी थ्री कॉस अल्फा, तो बी बाय टू बचेगा, कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, देखो ध्यान से है ना, बी बाई टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है समझा, डाउट आया तो पूछ सकते हो, ठीक है चैट के थ्रू पूछ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, टॉर्क का लग रहा है क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन, चलो ये मैं पढ़ाना है, मैं पढ़ाने के बाद ही ले लूँगा वाला डाउट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का था वो, ओके नेक्स्ट कौन सा है, बैटरी डिसकनेक्ट, बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, देखो ध्यान से, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग, रिंग बना लो पहले, तो चलो ये रिंग बन गई, वन ऑफ द आर्क ए बी ऑफ द रिंग सबटेंड्स थीटा, चलो ठीक है ओके, ये ए बी है, ये एंगल थीटा है, तो ये दूसरा एंगल क्या हो जाएगा टू पाई माइनस थीटा, राइट। तो ए और बी के बीच हमने बैटरी लगा दी है लाइक दिस, तो यहाँ से करंट आया आई है ना, तो ए बी जो थीटा वाली आर्क है वहाँ कितना जाएगा करंट, आई वन मान लो, सो जो ऊपर है करंट कितना जाएगा आई माइनस आई वन, एक्चुअली ये पैरेलल में आ गए देखो दोनों रेजिस्टेंस लाइक दिस, आर वन आर टू, सो आर वन अपन आर टू को मैं लिख सकता हूँ, जो रेजिस्टेंस होता है ना लेंथ के प्रोपोर्शन होता है, और लेंथ एंगल के प्रोपोर्शन हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, सो जाएगा टू पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर, ओके करंट का भी रेशियो निकाल लेते हैं, एक काम करता हूँ आई माइनस आई वन को आई टू ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, आई वन हो जाएगा आर टू ले लेते हैं इसको, ऊपर वाला आर टू है नीचे वाला आर वन, हाँ इसको आर टू पकड़ लो और ये आर वन, सो आई वन आएगा आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आई, आई टू हो जाएगा आर टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आई, ठीक है ना ऐसे हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, देखो बी वन नीचे वाला जो आर्क है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, के आई थीटा बाय आर लगा दो, के आई वन थीटा बाय रेडियस, डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड होगी,
और ऊपर वाली आर्क का मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, के आई थीटा बाय आर लगा दो, सो के आई टू थीटा की जगह 2π - थीटा बाय रेडियस, और ये इनवर्ड आ जाएगा। सो देख सकते हो रिजल्टेंट फील्ड चाहिए अब, ठीक है ना। तो बी वन प्लस बी टू के आई वन थीटा बाय आर माइनस के आई टू 2π - थीटा अपॉन आर, के बाय आर कॉमन ले लिया, आई वन थीटा माइनस आई टू इंटू 2π - थीटा, ये आ रहा है ब्रैकेट में। अभी देखना एक हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं, आई वन बाय आई टू का रेशियो से निकाल सकते। देखो आई वन बाय आई टू आ रहा है आर टू बाय आर वन, और आर टू बाय आर वन है 2π - थीटा अपॉन थीटा। सो आई टू इंटू 2π - थीटा इज इक्वल टू आई वन इंटू थीटा, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। सो रिजल्टेंट कितना बना, जीरो। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, ठीक है ना। कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के। और अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रूम, इट स्टार्ट्स विथ इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट, इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड वी नॉट, इट मूव्स विथ इनिशियल एक्सेलरेशन 3a0 टुवर्ड्स वेस्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम आर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम आर। ओके, प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रूम। इनिशियल एक्सेलरेशन देखो ए नॉट है, ठीक है ना। तो जब रेस्ट में है और एक्सेलरेशन है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही आएगा। सो क्यू ई, क्यू इंटू ई, ये फोर्स आ गया, इज इक्वल टू एम ए नॉट। सो ई की वैल्यू आ गई एम ए नॉट अपॉन क्यू, और क्यू की वैल्यू ई रख लेते हैं स्मॉल ई, सो एम ए नॉट अपॉन स्मॉल ई। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, उसको फोर्स कहाँ लगा, वेस्ट की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट की तरफ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड नॉर्थ नॉर्थवर्ड विद स्पीड वी नॉट, इट मूव्स विद एक्सेलरेशन 3a0 टुवर्ड्स वेस्ट, ये वेलोसिटी है नॉर्थ की तरफ। तो एक फोर्स लगेगा क्यू ई वेस्ट की तरफ, और बट एक्सेलरेशन आ रहा है 3a0 टुवर्ड्स वेस्ट। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स लिख देते हैं, चलो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है एम इंटू 3a0। सो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3ma0। अच्छा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, एक मिनट, 3ma0 को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, वेस्ट की तरफ है तो नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है ना। एफ बी, एफ ई कितना है, माइनस एम ए नॉट इज इक्वल टू माइनस 3ma0, तो यहाँ से एफ बी आ जाएगा माइनस 2ma0। सो क्यू वी बी, क्यू वी नॉट बी इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका, 2ma0, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गया 2ma0 अपॉन क्यू वी नॉट, ठीक है। अच्छा, देख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगा है, मैग्नेटिक फोर्स लगा है लेफ्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगा है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट की तरफ लगा है, वेलोसिटी है नॉर्थ की तरफ, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, है ना। ये थंब आ गया वेस्ट की तरफ, मिडिल फिंगर आ गई नॉर्थ की तरफ। सो अभी देखो
मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर फिंगर कहाँ आ रहा है बोलो, फोर फिंगर बता सकते हो, फोर फिंगर कहाँ आएगा, फोर फिंगर किधर आएगा, नहीं अंदर की तरफ आ रहा है, ध्यान से देखो इनवर्ड आ रहा है, ठीक है डाउन कह सकते हो, डाउन इनवर्ड आ रहा है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, इनवर्ड आ रहा है, ठीक है। सो 2ma0 बाय qv0 डाउन, बी आ रहा है ना, बी आ जाएगा आंसर राइट। हाँ देखो बी आ गया, ठीक है समझा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर पॉलीगन एंड साइड्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, ठीक है करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर में, ठीक है देखो रेगुलर पॉलीगन है तो जो ट्रायंगल दिख रहा है ना पहले उसका हम फाइंड कर लेते हैं एक साइड का, ठीक है ध्यान से देखना, जो एक साइड है अल्फा बीटा की वैल्यू दिया हुआ है, ये अल्फा है पाई अपॉन एन और बीटा है पाई अपॉन एन, ठीक है ध्यान से देखो, और ये हाइपोटेन्यूस है ए, सो ये जो एक्स की वैल्यू है ये एक्स, देखो ये बीच वाला जो लाइन है ना ये एक्स हो गया, सो ध्यान से देखना एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एक्स आ जाएगा ए कॉस अल्फा, और अब करंट जा रहा है सपोज ऐसा जा रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज, सो फील्ड ड्यू टू वन साइड, एक साइड का फील्ड आ जाएगा वो लगा दो कौन सी थ्योरम, वो लॉ बायोट सेवर्ट्स लॉ, मे नॉट अपॉन फोर पाई आई इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन एक्स, अल्फा बीटा दोनों पाई बाई एन है, सो ये हो जाएगा मे नॉट बाई फोर पाई आई अपॉन एक्स इंटू साइन पाए बाय एन प्लस साइन पाए बाय एन, तो मैं टू लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है ना टू साइन पाए बाय एन, तो टेन पाए बाय एन हो जाएगा, सो मे नॉट आई अपॉन टू पाए ए टेन पाए बाय एन, ये हुआ एक साइड की वजह से, ठीक है ना, तो टोटल एन साइड्स हैं लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर n साइड्स लिखा हुआ है, सो रिजल्टेंट जो फील्ड आएगा, रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगा देखो ध्यान से n टाइम्स कर दो, ठीक है सो इसका n टाइम्स, सो n म्यू नॉट आई टेन पाई बाय n डिवाइडेड बाय टू पाई a, b ठीक है समझा, एक साइड का पता है ना कैसे आया, उसको फिर n से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हम ट्रायंगल स्क्वायर हेक्सागन में किए थे ना क्लास में। चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना, हाँ चलो नेक्स्ट। वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर लाइंग अलोंग जेड एक्सिस कैरीज करेंट 2 एम्पियर, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन इज कंप्यूटेड अलोंग स्ट्रेट लाइन पी क्यू वेयर पी हैज कोऑर्डिनेट्स 200, क्यू हैज कोऑर्डिनेट्स 220, पी है 200, क्यू है 220, इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। चलो अच्छा पहले डायग्राम बना लेते हैं, देखो ये जेड एक्सिस हो गया है ना, जेड एक्सिस के अलॉन्ग करंट है 2
टू एम्पियर, ये ओरिजिन मान लो यहाँ पर एक्स इज एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो, एक्स की वैल्यू टू है, टू ज़ीरो ज़ीरो, हाँ तो ये एक्स एक्सिस हो गया टू ज़ीरो ज़ीरो और टू टू ज़ीरो, अच्छा ये वाई एक्सिस में आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको वाई एक्सिस पकड़ लो, नया डायग्राम बना लेते हैं, वेट y और x को पेपर के प्लेन में ले लो और z एक्सिस वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, सो अब सही है, p कहाँ पर है, 200 ये है 200 और q है 220, यहाँ पर आ जाएगा q, समझ आ रहा है, और जेड एक्सिस के अलोंग करंट है, ठीक है ना, आउटवर्ड मान लो करंट, ये जेड एक्सिस हुआ ना ऐसे, ओरिजिन से पास कर रहा है जेड एक्सिस की तरफ, ये करंट है आई, सो पी पर जो फील्ड होगा द इंटीग्रल हैज़ द मैग्नीट्यूड, ओके वेरी लॉन्ग कैरीज करंट, इंटीग्रल इज कंप्यूटेड अलोंग द स्ट्रेट लाइन पी क्यू, पी क्यू के अलोंग निकालना है, ये लाइन जो है ना इस लाइन के अलोंग निकालना है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालना है, लाइक दिस, तो ये एंगल जो होगा 45 होगा, ठीक है, अभी देखो थोड़ा बड़ा डायग्राम मैं बना देता हूँ, ये पी क्यू और इसको ओ मान लो, पी क्यू और यहाँ पर ओ है, तो छोटा सा डी एल मान लो, छोटा सा एलिमेंट डी एल ऐसा लाइक दिस, ये डी एल है, डी एल ने कितना एंगल सबटेंड किया होगा, देखो ध्यान से, इस एंगल को डी अल्फा मान लो, ठीक है ना, ये एंगल अल्फा है, तो इस पॉइंट में पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर आ जाएगा लाइक दिस, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखना, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा, तो डीएल के अलोंग क्या कंपोनेंट आया है, डीएल के अलोंग बी कॉस अल्फा मैग्नीट्यूड, सो बेसिकली हमको अब इंटीग्रेशन निकालना है b cos अल्फा dl और b का वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट वायर की वजह से mu नॉट i by 2 पाई x, ये x है, ठीक है ना, अच्छा ये है 2, तो 2 अपॉन x इज इक्वल टू cos अल्फा, सो x होएगा 2 बाय कॉस अल्फ़ा, ध्यान से देखते चलो, और ये आ गया b, चलो cos अल्फ़ा एक और है cos अल्फ़ा और फिर है dl, अच्छा एक चीज़ और करना है यहाँ पर, ध्यान से देखना, नेक्स्ट पेज में मैं बता देता हूँ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कॉस स्क्वायर अल्फा म्यू नॉट आई कॉस अल्फा बाय 4 पाई, ये आ गया बी है ना, अभी एक चीज और करना है, DL को लिखना है डी अल्फा के टर्म्स में, देखो नेक्स्ट पेज में मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पहले भी हमने किए हैं, ये अल्फा है ये डी अल्फा है और ये है DL है ना,
तो यहाँ से देखो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ हो जाएगी x, कितनी होगी ये, हाँ ये x है, आर्क इज आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, आर्क अपॉन रेडियस होता है थीटा, तो आर्क हो जाएगा आर थीटा, दैट मीन्स एक्स डी अल्फा, एक्स डी अल्फा हो जाएगा। अब डी एल और एक्स डी अल्फा में रिलेशन निकाल लो, तो देख सकते हो एक्स डी अल्फा इज इक्वल टू डी एल इंटू कॉस अल्फा। सो डी एल को मैं लिख सकता हूँ एक्स डी अल्फा बाय कॉस अल्फा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी कॉस अल्फा डी एल क्या बन जाएगा, अब बी की वैल्यू डाल दो यहाँ से, देखो पिछले पेज में अपन ने निकाला था बी, ये है म्यू नॉट आई अपॉन सॉरी म्यू नॉट आई कॉस अल्फा अपॉन फोर पाई, म्यू नॉट आई कॉस अल्फा अपॉन फोर पाई, देन वी हैव कॉस अल्फा एंड देन वी हैव डी एल, डी एल है एक्स डी अल्फा बाय कॉस अल्फा कैंसिल हुआ, एक मिनट ये बी की वैल्यू में एक्स क्यों नहीं आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक्स की वैल्यू लिख दिया था, ठीक है टू अपॉन कॉस अल्फा, ओके फाइन। म्यू नॉट आई बाय फोर पाई कॉस अल्फा एक्स, एक्स की वैल्यू है, एक्स कितना है, एक्स निकाला था, ये निकाला था टू बाय कॉस अल्फा, ठीक है कॉस अल्फा फिर से कैंसिल हुआ। सो देख सकते हो ये पूरा कांस्टेंट अलग कर लो इसको, म्यू नॉट आई बाय टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी अल्फा। अब डी अल्फा का इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी देख सकते हो पिछले डायग्राम में, मैक्सिमम एंगल कितना है 45 है ना, ये पूरा 45 है, तो 0 टू 45 उसको इंटीग्रेट कर दो, 0 टू 45, 45 क्या होता है पाई बाय 4, तो कितना आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई पाई, अच्छा डी अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है ना, लिमिट रख दो 0 टू पाई बाय 4, सो पाई बाय 4 माइनस 0, सो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई पाई बाय 4 माइनस 0, ठीक है तो पाई बाय 8 आ जाएगा, म्यू नॉट आई पाई बाय 8 पाई, पाई पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 8, अच्छा पाई के टर्म्स में निकालना है, ओके म्यू नॉट की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट कितना है, अपना आंसर आया म्यू नॉट आई अपॉन 8, म्यू नॉट होता है 4 पाई 10 रेस टू माइनस 7, करंट दिया है क्या क्वेश्चन में, करंट कितना दिया है 2 एम्पियर है करंट, ओके सो पाई इंटू 10 रेस टू माइनस 7, समझ आया ये है आंसर, पाई इंटू 10 रेस टू माइनस 7, समझ आ रहा है डी आ गया इसका आंसर, क्लियर। ये एडवांस में आए हुए क्वेश्चन लग रहे हैं पूरे, ठीक है ना, लेंथी होते हैं थोड़े वो, चलो नेक्स्ट। मुझे पता नहीं किसने भेजा था डाउट, ठीक है ना, तो सब देख लो, सभी को फ़ायदा हो रहा होगा, है ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज़ द शेप ऑफ सिद्धेश का क्या डाउट आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ सिद्धेश समझ में आया, बोलो इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा ना, हाँ ओके गुड, अच्छा कौन सा क्वेश्चन है, कॉनकेव सिलेंड्रिकल, अच्छा चलो, हाँ सिद्धेश मुझे व्हाट्सएप करो सॉल्यूशन बना के, सेंड मी योर सॉल्यूशन,
व्हाट इज़ द शेप ऑफ मैग्नेट इन मूविंग कॉइल, वो उसमें रेडियल होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, देखो डायग्राम बना देता हूँ लाइक दिस, कॉनकेव होता है, कॉनकेव सिलिंड्रिकल, ये आएगा इसका, ये नॉर्थ पोल होता है, ऐसा साउथ पोल, ठीक है, लाइक दिस। इसका 3D डायग्राम बनाऊँ तो मैं ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे कॉनकेव सिलिंड्रिकल हो जाता है इसका शेप। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्टींथ, मूविंग कॉइल कैरमीटर डिफ्लेक्शन ऑफ थीटा रिलेटेड टू करंट, इसमें एक्चुअली टॉर्क का फॉर्मूला लगता है, ठीक है, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है अपन पढ़े थे ना, NIAB साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री ले लेते हैं, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ टॉर्जन कांस्टेंट इनटू डिफ्लेक्शन थीटा, सो करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा आता है इसका, ठीक है। बी इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अभी याद रख लो बस, ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, या मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूँगा, ओके चलो। पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मास एम स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन अंडर एक्शन ऑफ ई नॉट आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी नॉट आई कैप मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है वी नॉट जे, चलो ये डायरेक्शन है वी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी राइट की तरफ है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी टू वी नॉट आफ्टर टाइम, ओके तो ध्यान से देखो, पहली चीज दोनों की वजह से फोर्स निकाल लो, दोनों फील्ड का फोर्स निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहाँ आएगा, राइट की तरफ आएगा QE, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड रूल से देख सकते हो, मिडिल फिंगर आ गया नॉर्थ की तरफ, फोर फिंगर आ गया ईस्ट की तरफ, तो थंब इनवर्ड आ रहा है, ठीक है ना, सो इनवर्ड आ जाएगा QVB, इनवर्ड आएगा, यस करेक्ट। सो तो इसमें जो फोर्स लगेगा इनवर्ड लगेगा, तो ये ना इस तरह से सर्कल करेगा, ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे सर्कल करता हुआ राइट की तरफ जाएगा, QE उसको राइट की तरफ एक्सीलरेट करेगा एक्चुअली, और पिच जो है इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि QE उस एक्स डायरेक्शन में उसमें एक वेलोसिटी आती जाएगी, तो पहला जो पिच होगा वो थोड़ा छोटा होगा, अगला पिच थोड़ा बड़ा होगा, और अगला पिच और बड़ा हो जाएगा, लाइक दिस, इस तरह से उसका मोशन होगा, ओके सो टाइम ऑफ वन सर्कल कितना जाएगा, टू पाई एम बाय क्यू वी नॉट, ये है टाइम ऑफ वन सर्कल, तो किसी भी इंस्टेंट में देख सकते हो एक वेलोसिटी होगी राइट की तरफ, एक वेलोसिटी होगी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या वेलोसिटी होगी, ऑलवेज वी नॉट, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या वेलोसिटी होगी, वो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जीरो प्लस एटी, एटी कैसे आएगा यहाँ से देख लो, क्यू ई इज इक्वल टू एम ए, तो ए आ जाएगा क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम इंटू टी, इनका रिजल्टेंट निकाल लो, रिजल्टेंट निकाल के टू वी नॉट से इक्वल कर दो, ठीक है, तो टाइम मिल जाएगा अपन को, चलो रिजल्टेंट निकालते हैं इसका, तो देखो ध्यान से, वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू ई टी बाय एम होल स्क्वायर, इसका रूट होएगा टू वी नॉट, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, सो वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वी नॉट स्क्वायर,
फोर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर थ्री वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो टाइम टी स्क्वायर में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, देखो ध्यान से, थ्री वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, आर यू गेटिंग? सो यहाँ से टाइम, हाँ डी आ रहा है, बिल्कुल सही पा रहा है, वेरी गुड, तो टी आ जाएगा रूट थ्री टाइम्स वी नॉट एम बाय क्यू ई, चलो ठीक है डी आ गया इसका आंसर। ठीक है समझा होगा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें एक्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आती जाएगी और वो हम वी इज इक्वल टू यू प्लस सिटी से लिख सकते हैं, और एक्स के परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी रहेगा वी नॉट जो इनिशियल वेलोसिटी था वाई डायरेक्शन में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखो फोर्टी वन क्वेश्चन, टॉर्क निकालना है, फाइंड द टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वाई एक्सिस में है, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताओ जरा कितनी आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हो क्या डायरेक्शन आएगी, ये एरोज गलत लिखे हैं, मैंने ग्रुप में बताया था एरोज गलत है इसमें, ठीक है एरोज कोई तो एक पकड़ लो, चलो एंटी क्लॉक वाइज ले लेते हैं, चलो ठीक है वो मिसप्रिंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट लिख लो, हाँ डायरेक्शन गलत है करंट का तो मैं ले लेता हूँ, चलो अभी कंसेप्ट समझ जाओ है ना, कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज है ना तो आउटवर्ड आएगा तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, तो एन आई ए, एन तो वन है तो आई इंटू ए आई कैप है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड है बी इंटू जे कैप, टॉर्क का फॉर्मूला ये लगा दो, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी हो जाएगा आई ए आई कैप क्रॉस बी जे कैप, ठीक है तो आई ए बी आई क्रॉस जे, चलो बताओ ये क्या जाएगा, आई ए बी आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है ना, के कैप पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है ना बी ले लेते हैं, ठीक है ना ऑप्शन बी, और एरोज देख लो ऐसा जो मैंने बनाया ना एरोज ऐसे होगा तो ये बी आंसर आएगा। और अगर एरोज इसका उल्टा ले लेते हैं, सपोज ऐसा डायग्राम होता क्लॉकवाइज हो जाता तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए माइनस आई कैप लिखना पड़ता तो आंसर ए हो जाता, ठीक है समझ आ रहा है। इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता माइनस आई ए आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड होता बी जे कैप, सो इन दैट केस टॉर्क विल बी माइनस आई ए आई कैप क्रॉस बी जे कैप, सो दैट विल बी माइनस आई ए बी आई क्रॉस जे होता है के है ना, तो हो जाएगा आई ए बी माइनस के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस आ जाता फिर आंसर, समझ आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने दोनों का करके बता दिया, ठीक है तो चलो नेक्स्ट, चार्ज पार्टिकल स्पेसिफिक चार्ज अल्फा, चार्ज अपॉन मास की वैल्यू दी है अल्फा, रिलीज फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी वी नॉट आई प्लस जे, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट टाइम पाई अपॉन वी नॉट अल्फा। ओके चलो देखो ध्यान से, ये है मैग्नेटिक फील्ड आई कैप है ना, मैग्नेटिक फील्ड देखो ध्यान से वी नॉट, और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, वी नॉट एक्स कंपोनेंट है और वी नॉट वाई कंपोनेंट है, तो ये वो होगा ना क्या बोलते हैं उसको, हेलिक्स, हेलिक्स होगा देखो ध्यान से, ऐसा हेलिक्स होगा लाइक दिस, हेलिकल शेप होगा इसका, सो टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड कितना आता है टू पाई एम बाय क्यू बी, और क्यू बाय एम है अल्फा, यानी कि टू पाई बाय बी इंटू अल्फा, और यहाँ क्वेश्चन में जो दिया है वो है पाई अपॉन
बी अल्फा, दैट मीन्स टी बाय टू, दैट मीन्स आधा सर्कल उसका हो जाएगा। अच्छा, इनिशियल फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी बताओ, इनिशियली जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी बोलो, ओरिजिन में कहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड रूल से लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर, वेलोसिटी मिडिल फिंगर, थंब देखो अंदर की तरफ आ रहा है, आ रहा है थंब जो है इनवर्ड आ रहा है, देखो ध्यान से इनवर्ड, तो यहाँ फोर्स की जो डायरेक्शन है इनवर्ड है, ओवर ही है ओरिजिन में, ठीक है। तो जो आधा सर्कल वो बनाएगा जब तक, तो आधा सर्कल जब तक वो बनाएगा तो आधा पिच कवर करेगा वो, ठीक है ना, हाफ सर्कल में वो आधा पिच कवर करेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा पिच बाय टू, और पिच कितना हो जाएगा, पिच होएगा वी नॉट इंटू टू पाए अपॉन बी अल्फा, ये पिच है इसको टू से डिवाइड कर दो, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वी नॉट पाए अपॉन बी अल्फा, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, आर यू गेटिंग, वी नॉट पाए अपॉन बी अल्फा, डी में दिख रहा है, है ना। अच्छा और देखो, आधा सर्कल वो बना रहा है, पहले तो जेड एक्सिस की तरफ उसको फोर्स लग रहा है, ठीक है, नेगेटिव जेड एक्सिस, सो हाफ सर्कल जब तक उसका होगा तो वाई डायरेक्शन का ज़ीरो होगा, और जेड डायरेक्शन में वो पूरा डायमीटर के इक्वल चला जाएगा, रेडियस कितनी आएगी वो निकाल लेते हैं, रेडियस आएगा एम वी नॉट अपॉन क्यू बी, वी नॉट बाय बी इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो अंदर जा रहा है, देखो ध्यान से, आधा जो सेमी सर्कल जब वो कर पाएगा, आधा पिच जब तक कर पाएगा, तो जेड एक्सिस में वो पूरा डायमीटर के बराबर चला जाएगा वो, तो जेड कोऑर्डिनेट जाएगा उसका टू टाइम्स ऑफ रेडियस, और नेगेटिव में जा रहा है वो, ठीक है, तो जेड कोऑर्डिनेट आएगा माइनस ऑफ टू वी नॉट अपॉन बी अल्फा, ठीक है ना, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, और वाई तो ज़ीरो हो जाएगा, थोड़ा इसमें इमेजिन करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क का लग रहा है देख के, रेक्टेंगुलर लूप कंसिस्ट ऑफ एन क्लोज रैप्ड टर्न्स एंड हैज डायमेंशंस ए इनटू बी, लूप इज हिंज्ड अलोंग वाई एक्सिस, जैसे डोर होते हैं ना, डोर अपने घरों में जो डोर होते हैं, एक साइड के अलोंग वो हिंज हो जाता है, उस साइड के अलोंग वो रोटेट कर सकता है, ठीक है, इस तरह से देखो ये डोर हो गया, ये इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है लाइक दिस, टॉर्क निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द लूप बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, करंट दिया हुआ है आई नॉट, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, एन आई ए, एन आई ए, ए क्या हो जाएगा, एरिया ए बी, राइट। अच्छा डायरेक्शन क्या आएगी मैग्नेटिक मोमेंट की, देख सकते हो करंट क्लॉकवाइज है, तो ऐसा हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा बनेगा लाइक दिस, प्लेन के पेंडिकुलर होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट, तो अगर मैं ऊपर से देखूं, है ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखूं, तो मैग्नेटिक मोमेंट मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और ये जो लूप है ना ऐसा रखा हुआ है, ये लूप है, तो ये 37 डिग्री है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान से देखो, सो
मैग्नेटिक मोमेंट ने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया वो देख लो, 37, 53, ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। सो दिस इज एम कॉस 53 नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एम साइन 53 नेगेटिव जेड डायरेक्शन। सो एम वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ माइनस एम कॉस 53 कितना होता है 3/5 राइट, 3/5 आई कैप माइनस साइन 53 होता है 4/5 के कैप, ठीक है। एम की वैल्यू ये हो जाएगी एन आई ए बी, ये एम वेक्टर आया। और हमको और क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन क्या है एक्स के अलॉन्ग है, तो बी नॉट आई कैप आर यू गेटिंग। अब टॉर्क का फॉर्मूला लगा दो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या होता है, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी यहां से निकाल लो, ध्यान से देखना, माइनस 3m/5 आई कैप माइनस 4m/5 के कैप क्रॉस बी वेक्टर क्या है, बी नॉट आई कैप, बी नॉट आई कैप, ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा माइनस 3m/5 बी नॉट आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, ये तो जीरो हो जाना है, ठीक है। फिर माइनस 4m/5 बी नॉट के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होता है बोलो, माइनस 4/5 एम बी नॉट, के क्रॉस आई होता है जे राइट, तो ये आंसर आ गया माइनस 4/5 एम बी नॉट जे कैप। और एम की वैल्यू एन आई ए बी, ए आ गया आंसर राइट, क्लियर, हाँ ए आ रहा है। एनी डाउट, करेक्ट ए आ रहा है, वेरी गुड। पारस हर्ष ओके ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेक्टेंगल कॉइल ए बी सी डी हंग फ्रॉम वन साइड ऑफ बैलेंस एज शोन, 500 ग्राम मास इज एडेड टू द अदर आर्म टू बैलेंस द वेट ऑफ द कॉइल। चलो लेफ्ट साइड देखो 500 ग्राम लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरे साइड एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है। करेंट ऑफ 9.8 एम्पियर इज पास्ड थ्रू द कॉइल एंड कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला इनवर्ड है। चलो देखो ध्यान से, ए बी सी डी जो वायर फ्रेम है उसको फोर्स की बात करते हैं अपन, ठीक है। फील्ड कैसा है, इनवर्ड है, मतलब नीचे की तरफ है, एक्स जेड प्लेन में। अच्छा ऐसा मान लो, चलो इनवर्ड है लाइक दिस। सो करंट है क्लॉकवाइज, ओके ए बी, ए बी को फोर्स कहाँ लगेगा बोलो, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मिडिल फिंगर आ जाएगा ए बी के अलोंग और फोर फिंगर इनवर्ड चला गया, तो फोर्स थंब, थंब देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, फोर्स ऑन ए बी। सिमिलरली फोर्स ऑन बी सी, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, ओनली आर्म सी डी ऑफ लेंथ 1.5 सेंटीमीटर लाइज इन द फील्ड, सी डी आ रहा है केवल, ठीक है ना, ए बी में कोई फोर्स नहीं आएगा, ए बी में कोई फोर्स नहीं आएगा, सी डी में आएगा, सी डी में फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और कितना आएगा फोर्स,
फोर्स ऑन से आई एल बी लगा दो, आई एल बी होता है ना फॉर्मूला, आई एल बी, एल है 1.5 × 10⁻²⁺ इंटू बी, ठीक है ना। चलो ये हो गया, बस ये एक्स्ट्रा फोर्स यही आ रहा है ना, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स एम जी के बैलेंस से बैलेंस कर दो। सो एम जी इज इक्वल टू एक्स्ट्रा फोर्स, करंट है, करंट कितना है 9.8, लेंथ है 1.5 × 10⁻², मैग्नेटिक फील्ड है 0.4, ठीक है ना। तो जी और 9.8 कैंसिल कर देते हैं, मास निकालना है, ग्राम में आ जाएगा आंसर शायद, ठीक है ना। तो चलो, तो ये देखो 1.5 × 4 × 10⁻³ के जी, 10⁻³ के जी को ग्राम लिख देंगे, 6 ग्राम आ गया, समझ आ रहा है, 6 ग्राम आ गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री और फोर देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली, देखो जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क हो जाता है एन आई ए बी, और टॉर्क को हम टॉर्जनल कांस्टेंट इनटू थीटा भी लिखते हैं, के इज इक्वल टू टॉर्जनल कांस्टेंट। अभी याद कर लो, मैं इसको डिटेल में वीडियो बना दूंगा एक, देखो ध्यान से। सो डिफ्लेक्शन थीटा कितना आ गया, एन आई ए बी बाय के, सो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कॉयल, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्जनल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो बी आ गया इसका, है ना, बी आ रहा है, थर्ड का बी आ रहा है, ओके अच्छा ठीक है, ओके। और दूसरा फोर्थ क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज एन टर्न्स, एरिया ए कैरीज करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड बी इज रेडियल, टॉर्क, हाँ टॉर्क का फॉर्मूला होता है एन आई ए बी साइन 90, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा होता है। देखो जैसे कि ये कॉइल है, सो उसका जो एम वेक्टर होता है ना, और बी, एम और बी जो होते हैं 90 डिग्री में आ जाते हैं ऐसे, लाइक दिस, एम वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 90 डिग्री में आ जाते हैं उसके, ये याद रख लो अभी, हाँ ओके। सो एन आई ए बी, डी आ गया इसका, करंट का स्क्वायर नहीं आता है, सबकी पावर वन ही है, ठीक है ना, एन आई ए बी, एन की पावर वन, आई पावर वन, ए पावर वन, बी पावर वन, स्क्वायर कहीं नहीं आता। चलो नेक्स्ट, ओके क्या है नेक्स्ट, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर द फ्रेम ऑन विच द कॉइल इज वाउंड इज नॉन मेटेलिक, इट इज, एडी करेंट्स प्रोड्यूस नहीं होते। हाँ देखो, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसमें कॉयल रोटेट करता है, कॉयल जब रोटेट करेगा तो इंड्यूस करेंट प्रोड्यूस होंगे, इंड्यूस करेंट को फिर एडी करेंट्स भी कहते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा एडी करेंट्स, थ्योरेटिकल टॉपिक है वो, इंड्यूस करेंट को ही एडी करेंट्स कह सकते हो। तो ये अवॉइड करते हैं हम, ये एनर्जी का लॉस होता है इसमें, ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि एनर्जी का लॉस ना हो, टू अवॉइड एनर्जी लॉस हम नॉन मेटल यूज करते हैं। बी, बी आ जाएगा इसका, ठीक है, समझ में आ गया। चलो हो गए डाउट्स पूरे जितने भेजे थे सभी ने, ठीक है ना, भेजते रहो, जब ऐसे 10-12 डाउट्स हो जाएंगे तो मैं फिर से एक ऐसी क्लास रख लूँगा, ठीक है। सो और कुछ डाउट हो तो बता सकते हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दोबारा देखना है तो मैं अभी दिखा सकता हूँ, ठीक है, वैसे रिकॉर्ड हो गया, मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में, ठीक है। हाँ, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी सर कोई बोलो, इसी तरह से डाउट अटेंड करें और अपलोड करें यूट्यूब में, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। चलो बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।